जिला परिषद अलवर के वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय उम्मीदवार संजय यादव मुन्ना खोरी को कप प्लेट के निशान पर वोट देकर भारी मतों से सफल बनाए। वार्ड नंबर 4 की हुई पूरी तमन्ना, क्योंकि अब चुनाव मैदान में है संजय मुन्ना। जिला परिषद अलवर के वार्ड नंबर 4 से जिला पार्षद उम्मीदवार कांग्रेस के गजराज मास्टर, जिनका चुनाव निशान हाथ के बटन पर अधिक से अधिक वोट देकर सफल बनावे। अब विकास के लिए कोई गांव नहीं रहेगा मोहताज, क्योंकि अब चुनाव मैदान में है कांग्रेस के मास्टर गजराज। पंचायत समिति बहरुड़ के वार्ड नंबर 19 से निर्दलीय डेलीगेट प्रत्याशी अनुराधा गुप्ता को अधिक से अधिक वोट देकर सफल बनाए, जिनका चुनाव निशान है अलमारी। वार्ड नंबर 19 में अब है अनुराधा गुप्ता की बारी। याद रखना मतदाता भाइयों, उनका चुनाव निशान है अलमारी। स्वर्गीय रामोतार गुप्ता पूर्व उप प्रधान की पुत्रवधु अनुराधा गुप्ता को सफल बनाए। पंचायत समिति बहरुड़ के वार्ड नंबर 17 से भाजपा उम्मीदवार अजीत कुमार को कमल के निशान पर अधिक से अधिक वोट देकर सफल बनाए। वार्ड नंबर 17 में विकास की होगी भरमार, जब जीत कर आएगा भाई अजीत कुमार। जिला परिषद अलवर की वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व प्रधान सविता यादव के चुनाव प्रचार में बहरोड़ विधायक बलजीत यादव ने आज नायसराणा, नारेड़ा खुर्द, अकलीमपुर, निहालपुरा, डुमरोली, कायसा, रेवाना, तलवाना, बंथला, दोसोद, माजरी खुर्द, माजरी कला, विजय सिंहपुरा, रोडवाल और भीमसिंहपुरा गाँव का तूफानी दौरा किया। गाँव की चौपालों पर विधायक को सुनने को भीड़ उमड़ रही थी। ग्रामीण विधायक बलजीत यादव का जोरदार स्वागत भी कर रहे थे। विधायक ने ग्रामीणों से सविता यादव के पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए अपने 3 साल के कार्यकाल का भी लेखा जोखा ग्रामीणों को दिया। कि विभिन्न मांगों को रखते हुए चौपाल पे कहा था कि बहरोड़ नहीं, पूरे राजस्थान के बेरोजगारों की, जवानों की समस्याएं आप चिता के विधानसभा में भेजो, मजबूती के साथ जवानों की आवाज को विधानसभा में रखूंगा। वो भी ऐसे भली महिला है जो निमराना प्रधान रही, आपने इनकी वर्किंग देखी, मैंने भी इनको लड़ते भिड़ते जनता के लिए देखा, जनता की चिंता करते देखा। अभी जिला परिषद का इनको टिकट मिला है, इस बार जिला प्रमुख की जो सीट है वो भी महिला की सीट है। ये भाग्यशाली है, हो सकता है इनका भाग्य खुले और हमारे बहरोड़ की कंडे कालवर जिले के अगर जिला प्रमुख मिले तो इसलिए संभावनाओं से भरा हुआ इनका व्यक्तित्व है। और मैं आपसे अपील करने आया कि मेरे रेवाड़ा से ज्यादा वोट दे करके आप इनको जिता करके भेजो, आपको निराशा नहीं होगी, इतना ही आपको विश्वास मिला। लोकप्रिय सबके लाडले बहरोड़ विधायक माने भाई बलजीत यादव जी, अकलिम सरपंच भाई संजीव जी, आप और हम सबके सरपंच भाई लीलाराम जी, सम्मानीय मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, मेरे युवा, आप सभी को, मेरे भाई बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज जो वार्ड नंबर 3 आप सबकी भावनाओं को शीर्ष नेतृत्व और सबसे बड़ा योगदान भाई बलजीत जी का, आप सबके प्रत्याशी की रूप में भाई जी ने मुझे वो जिम्मेदारी दी है, ये जिम्मेदारी आप सब की है। चुनाव मैंने लड़ रही, चुनाव आप सब लड़ रहे हैं। आप सब ने 5 साल के मेरे कार्यकाल में देखा कि मैंने आपकी भरपूर रूप से ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से मैंने सेवा की है। आज जो जिला पार्षद वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जो जिम्मेदारी मिली है आप सभी को, तो 20 तारीख को मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ कि हाथ के निशान के आगे 2 नंबर के बटन के ऊपर भारी आशीर्वाद के रूप में मतों से आप यहाँ से विजयी बने। आप सभी की मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगी और मैं बहुत बहुत ऋणी रहूंगी। चुनाव में आपने अपने दम पर वोट बनाया, निमराना और भैरुड़ में प्रधानी का जो आपका ये दमखम जारी रहेगा? देखिए, मुझे कतई गुमान नहीं है, मेरे दम पे बनाया, जनता के दम पे वोट बनता है। मेरे दम पे नहीं, जनता के दम पे नगर पालिका में निर्विरोध चेयरमैन, निर्विरोध वाइस चेयरमैन बना और एक तरफाई पार्षद जीते।
आज मैं आया जिला परिषद तीन से हमारे जो प्रत्याशी हैं सविता जी के लिए वोट मांगने, और जनता का जो प्रेम और जनता का लगाव देख रहा हूँ, कल मैं मानन साइड भी था, तो सभी जगह जितना उत्साह है, मुझे लगता है कि जनता हमारे प्रत्याशियों को और हम अच्छे प्रत्याशियों का ही समर्थन मैं करता हूँ, उन सभी प्रत्याशियों को जिता करके भेजेगी और सही मायने में जनता का शासन होगा। यहाँ पे अच्छे लोग चुन के जाएंगे, जनता की सेवा करेंगे अच्छे से, जनता की सुनवाई होगी। और आपने पिछले दिनों देखा होगा कितने भ्रष्टाचारियों पे एक्शन हुए, उसके आप खुद गवाह हैं कि जनता ने जिसकी शिकायत करी, गड़बड़ी मिली, कार्रवाई हुई। और ये मैं चाहता हूँ और ज़्यादा बढ़े अच्छे से, तो वो तभी हो पाएगा जब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। अब गाँव से डेलीगेट हुआ, जिला परिषद हुआ, अच्छे लोग चुन के आएंगे, और विधायक डेलीगेट और सरपंच पंच, मैं पंचों तक की मीटिंग लेता हूं, आपको पता है कि नहीं पता, आज तक चाहे किसी एमएलए ने नहीं बुनाई होगी, मुझे पंचों ने कहा, लेकिन मैंने उन पंचों की भी मीटिंग रख करके उनसे समस्याएं पूछी, गांव का वार्ड का कैसे विकास हो, उनके सुझाव लिए। तो मेरी कोशिश है कि छोटा से छोटा जनप्रतिनिधि और बड़े से बड़ा जनप्रतिनिधि, सब लोगों में आपस में सामंजस्य होगा तो निश्चित रूप से विकास की गति तेज होगी और जनता की सुनवाई ज़्यादा होगी। और वही मुझे जनता का देख के माहौल लग रहा है, हमारे 36 बरादरी के लोगों में आपस में बड़ा प्रेम है, 36 बरादरी एकजुट है। पहले लोग बांट के राज करते थे, हम लोगों को जोड़ करके जनता का शासन कायम करना चाहते हैं, और मुझे विश्वास है निश्चित रूप से जनता का शासन कायम होगा। सर, आपकी तबीयत खराब है, इसके बावजूद भी आप चुनाव प्रचार में हैं। आपने इशारा किया कि सविता जी जीती तो जिला प्रमुख की, आपने इशारा किया, क्या वार्ड के लोग और जिले के लोग ये माने कि सविता जी अगर जीत गई तो जिला प्रमुख होंगे? देखिए, सुनिए, कोई बात नहीं, देखिए ये तो अभी आज में पूरा 100% तो मैं यूँ नहीं कह सकता, चुने हुए जनप्रतिनिधि चुनते हैं जिला प्रमुख, है ना, लेकिन महिला सीट है और पूरी संभावनाएं हैं, भाग्य की धनी है, पहले प्रधान बन के चकित किया था, और अब मेरे को तो ये शुभकामना है, मैं तो प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप जिला प्रमुख। जिला परिषद अलवर की वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस से पार्षद प्रत्याशी पूर्व प्रधान सविता यादव को भारी मतों से विजयी बनाए। वार्ड नंबर 3 में हर हाथ सविता यादव के साथ, सच का साथ दें, संघर्ष का साथ दें। वार्ड नंबर 3 का हर मतदाता अब यही चाहता, अब की बार हमारी पार्षद हो पूर्व प्रधान सविता। पंचायत समिति बहरोड़ के वार्ड नंबर 15 से कांग्रेस उम्मीदवार सरिता यादव को अधिक से अधिक वोट देकर सफल बनावे। अब वार्ड नंबर 15 में होगा विकास सभी का, क्योंकि अब चुनाव मैदान में है आपकी लाडली सरिता। हाथ के निशान पर बटन दबाकर सरिता यादव को सफल बनावें। आने वाली 20 तारीख को पंचायत समिति बहरोड़ के वार्ड नंबर 11 से संतोष गुजर को अधिक से अधिक वोट देकर सफल बनाएं। वार्ड नंबर 11 के मतदाताओं, इस बार संतोष को कर दो पास, 24 घंटे दुख सुख में रहेगा आपके साथ कैलाश। कैलाश गुजर मोदी की पुत्रवधु, संतोष गुजर को सफल बनाएं। अलवर जिला परिषद के वार्ड नंबर 6 से भाजपा प्रत्याशी संतोष देवी को अधिक से अधिक वोट देकर सफल बनाएं, जिनका चुनाव निशान है कमल का फूल। विकास किया है, करेंगे काम, क्योंकि अब आपके साथ है सरपंच राजाराम। बहरोड़ पंचायत समिति के वार्ड नंबर 5 से आजाद उम्मीदवार भाई राजबीर यादव को अधिक से अधिक वोट और समर्थन देकर सफल बनाएं। वार्ड नंबर 5 की खुल जाएगी तकदीर जब आपके वोट से जीतेगा भाई राजबीर।